नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय की प्रश्नावली है अपनी दूसरी। 2.1 का पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए। आपको भिन्न रूप में संख्याएं दे रखी है और साथ में दूसरी संख्या स्थिति दे रखी है, तो पहले इस संख्या को भी क्या करोगे, भिन्न रूप में लिखोगे और भिन्न रूप में लिखने के लिए इसके नीचे क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। एक संख्या एक हो, दूसरी कोई भी संख्या हो, तो उसका लस वही संख्या होता है जिसके साथ एक और अन्य कोई एक संख्या हो वह दूसरी संख्या ही नीचे लिख देते हैं। एक और एक संख्या और नहीं हो तो दूसरी संख्या को नीचे वैसी की वैसी लिख देते हैं। अब देखो एक का पाड़ा देखते हैं आपने, तो ये एक का पाड़ा है, तो एक के पाड़े पर पांच कितने पर आता है, पांच पर। पांच को दो से क्या करेंगे, गुना। पांच को दो से गुना तो पांच गुनी दस, माइनस का माइनस। पांच के पाड़े में पांच कितने पर आता है, एक पर, और तीन को एक से गुना करोगे तीन। बात को समझो, नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाली से क्या करते हैं, गुना। नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं और जो आता है ऊपर वाली से उसको क्या करते हैं, गुना। अब देखो दस में से तीन के कितना आ गया, सात। सात और नीचे क्या है, पांच। सात बटा में पांच इसको हल करने पर उत्तर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो, इसको हल करते हैं। आपको दे रखा है चार प्लस सात बटा में आठ, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या लगाया, एक। एक है, एक संख्या आठ है, तो उसका लस कितना होता है, आठ होता है। एक के पाड़े में आठ कितने पर आता है, आठ पर। आठ को चार से गुणा करोगे, आठ के पाड़े में आठ कितने पर आता है, एक पर, तो सात को एक से गुणा करोगे। आठ चौका बत्तीस, सात एकम सात बटा में आठ, बत्तीस और सात का योग करोगे तो उनतालीस बटा में आठ। समझ गए अंकित। इसके बाद देखो अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें तो आप देखो पहले वाले क्वेश्चनों में तो एक कुछ एक संख्या नहीं थी, एक बिंदी थी। इस क्वेश्चन में देखो दोनों ही बिंदी दे रखी है, दो नीचे दो संख्या है। पहले आप लय से निकालोगे, अब लय से निकालना देखो कैसे निकालते हैं। पहले भाग देते हैं दो से, दो के पाड़े में पांच आता है, सात आता है, नहीं आता। तीन के पाड़े में भी नहीं आते, चार के पाड़े में भी आते, फिर पांच का पाड़ा। पांच के पाड़े में पांच कितने पर आता है, एक पर, और पांच के पाड़े में सात आता ही नहीं है। फिर देखेंगे सात से, सात के पाड़े में सात कितने पर आता है, एक पर। यहाँ पर एक एक आ गया, हल हो गया। इन दोनों को करते हैं गुना, पांच गुना सात, पांच सात है पैंतीस। अब इस संख्या को लिखो आप द्वारा, तीन बटा में पांच प्लस दो बटा में सात, इसका लस निकाला अपने पास कितना आ गया, पैंतीस। पांच के पाड़े में पैंतीस कितने पर आता है, सात पर। सात को ऊपर वाली से क्या करेंगे, गुना। बस आप ये देखो नीचे वाली का नीचे वाली में भाग देना है, जो आ जाए ऊपर वाली से उसको गुना करना है। सात के पाड़े में पैंतीस कितने पर आता है, पांच पर, और पांच को ऊपर से क्या, दो से क्या करेंगे, गुना। सात ये इक्कीस, पांच दुनी दस बटा में पैंतीस, इक्कीस और दस का योग करेंगे तो कितना आ गया, इकतीस बटा में पैंतीस। ये था आपका अलग टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये और भी अलग टाइप का है। इसमें आपको दे रखी है मिश्र बिंदु, मिश्र बिंदु भी है। पहले इसको अपने सिंपल बिंदु में चेंज करेंगे, और इसको सिंपल बिंदु में कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों का गुणा और ऊपर वाले का योग, इन दोनों का गुणा ऊपर वाले का योग। तीन दुनी छह, छह और दो आठ, तीन दुनी छह, छह में दो जोड़े तो कितना आ गया, आठ। नीचे वाली संख्या नीचे ही रहती है, आया समझ में। इन दोनों का गुणा और ऊपर वाले का योग, नीचे वाली संख्या नीचे वैसी की वैसी। इसी तरह इसमें तीन दुनी छह, छह और में एक जोड़े सात, नीचे क्या है, दो का दो। समझ में आ गई अंकित। इसके बाद देखो फिर वही आगे, तीन और दो इनका क्या करोगे, लैस दोगे। पहले दो का भाग देंगे, दो के पाड़े में तीन तो आते ही, और दो कितने पर आते हैं, एक पर। फिर तीन का भाग दोगे, तीन के पाड़े में तीन कितने पर आते हैं, एक पर। इन दोनों का गुणन किया, तीन दूनी छह, इनका लैस कितना आ गया, छह आ गया। तीन के पाड़े में छह कितने पर आते हैं, दो पर। आठ को भी क्या करोगे, दो से गुना करोगे। तीन के पाड़े में छह आती हैं दो पर, आठ को भी दो से गुना, दो के पाड़े में छह
हजार से गुना, आठ दुनी सोलह, सात ये इक्कीस बटा में छह, इनका योग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सैंतीस बटा में छह। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अवरोही क्रम में लिखिए। इसके दो पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट मैं करवाऊंगी, दूसरा पार्ट आप खुद हल करोगे। तो इसमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। दो क्रम होते हैं, एक होता है अरोही और दूसरा होता है अवरोही। अवरोही क्रम में चार है और अवरोही में कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो जिसमें तीन है उसमें पहले छोटा लिखने हैं, अवरोही में चार है तो इसमें क्या करना है, पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। लेकिन ये आपको भिन्न दे रखी है तो भिन्न का क्या पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वो ही सेम काम करना है, सारी संख्याएं ले लो और इनका क्या करो, लेस है, लेस निकालना है। इस प्रकार तीन दो का काम तो जाता नहीं, तीन का जाएगा। तीन के बारे में नौ कितने पर आते हैं, तीन पर। तीन के बारे में तीन एक पर, इक्कीस कितने पर आता है, सात पर। फिर तीन एक सात, फिर सात का एक 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 हो गया। अब इनका गुना करो, सात दिए इक्कीस, इक्कीस दिए तिरसठ, इनका गुना करने पर आपके पास कितना आया, तिरसठ आया। अब आपको क्या करना है, इन सभी के नीचे आपको तिरसठ बनाना है, इन सभी के नीचे क्या बनाना है, तिरसठ बनाना है। तो तिरसठ बनाने के लिए क्या करोगे, नौ के पारे में तिरसठ कितने पर आता है, सात पर। तो इस ऊपर नीचे दोनों को क्या करोगे, सात से गुना करोगे। बात को समझो, पहले इन सभी का लेके लैस निकाल दिया, जो लैस आ गया वो नीचे वाली संख्या सभी की वो ही बनानी है अपने को। तो वही बनाने के लिए अब नौ की जगह यहाँ पे अपने को तिरसठ चाहिए, तो किस से गुणा करें, नौ के पारे में तिरसठ कितने पर आते हैं, सात पर। तो क्या करोगे, ऊपर नीचे इसको क्या करोगे, सात से गुना, ऊपर नीचे इसको क्या करोगे, सात से गुना। इसके बाद देखो अब तीन की जगह अपने को तिरसठ चाहिए, तीन की जगह तिरसठ बनाना है। तो तिरसठ में क्या करो, तीन का भाग दो, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन कितना आएगा, इक्कीस। इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे इक्कीस से गुना। उसी तरह अब इक्कीस की जगह अपने को तिरसठ बनाना है तो इसको ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, तीन से गुना करेंगे। आई बात समझे। इसके बाद देखो गुणा करके लिखते हैं, सात दुनी यहाँ पे कितना आ गया, चौदह, नौ सात है तिरसठ, इक्कीस दुना गुना करोगे तो बयालीस, नीचे तो तिरसठ ही आएगा। आठ ये कितना आ गया, चौबीस, नीचे कितना आएगा, तिरसठ आएगा। यहाँ पे समझ में आने के बाद देखो कि जिन भिन्नों का हर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, और ऊपर वाले को अंश, जिन भिन्नों का हर समान हो। अब तीनों का समान है ना, तिरसठ तिरसठ तिरसठ, जिन भिन्नों का हर समान हो उनका अंश जितना बड़ा है वह भिन्न उतनी ही बड़ी है। जिन भिन्नों का हर समान हो उनका अंश जितना बड़ा है वह भिन्न उतनी ही बड़ी है। अब इनका हर समान है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला बड़ा किसका है, बीच वाले का, तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है। पहले लिख दी अपने ये वाली भिन्न, उसके बाद चौबीस आता है ये वाली भिन्न आ गई, उसके बाद चौदह आता है तो लास्ट में क्या आ गई, चौदह वाली भिन्न आ गई। ये तो अपने बनाई थी वो भिन्न है, लेकिन जो दी थी अपने तो वो लिखनी है, पहले बीच वाली है तो बीच वाली क्या है, दो बटा में तीन। फिर इधर वाली है, इधर वाली क्या है, आठ बटा में इक्कीस। फिर ये पहली है, पहली क्या दे रखी है, दो बटा में नौ। पहले लैसे निकालना है, जो लैसे आ जाए नीचे वाली संख्याओं को वही बनाना है और उसको जिससे गुणा करें ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे। भिन्न को अंश और हर को सेम से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको। इस प्रकार एक सारणी दे रखी है और आपसे कह रहे हैं कि इनके प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम का योग समान है, तो यह एक जादुई वर्ग है। तो आपने देखना है समान है या नहीं है। देखने के लिए पहले अपनी इस पंक्ति को लेते हैं, क्या दे रखा है, चार बटा में ग्यारह, दो बटा में ग्यारह, दो बटा में ग्यारह, सभी के नीचे समान संख्या है, जिनका लैस से भी मिल के आएगा ग्यारह ही आएगा।
ऊपर से भी किससे गुणा करना पड़ेगा, एक एक से। तो चार को एक से करोगे तो चार रहेगा, नौ को एक से करोगे तो नौ रहेगा, दो को एक से करोगे तो दो ही रहेगा, पता चला। इसके बाद देखो फिर इन सभी का योग हो गया, नौ चार तेरह, तेरह और दो पंद्रह, कितना आ गया 15/11। दूसरा लेते हैं, क्या दे रखा है, 3/11, 5/11, 7/11। सभी के नीचे 11/11 है, सेम 11 के पहले में 11 एक पर आता है, ऊपर एक से गुणा करना है, सारी संख्या वैसे की वैसी आएगी क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। योग करेंगे 7 और 5 12, 12 और 3 15, कितना आया 15/11। फिर लास्ट इसको ले लेंगे 8/11, 1/11, 6/11। सभी के नीचे 11 है, ऊपर वाली वैसी की वैसी, 8+1+6, 6 और 1 7, 7 और 8 कितनी होगी 15/11, तीनों की आई समान आई है। ये तो था अपनी पंक्तियों का योग। अब इसी तरह स्तंभों का योग करना है, तो इसको सीधे देख लो, वो समझाने के लिए था। इनके नीचे भी 11/11 है, जब नीचे भी 11/11 है तो नीचे तो क्या आएगा 11 ही आएगा, ऊपर वाली सभी का योग कर दो, 4 और 3 7, 7 और 8 15। इसमें भी सभी के नीचे 11/11 है, नीचे तो 11, ऊपर वाले का योग करना है, 9 और 1 10, 10 और 5 15/11। इसमें भी सभी के नीचे 11, ऊपर वालों का योग करना है, 6 और 7 13 और 2 15/11। सभी पंक्तियों का, सभी स्तंभों का योग समान है, तो ये क्या है। इसी तरह आप विकिरणों का देख सकते हो, इस विकिरण को ले लो, 11 है सभी के नीचे, 6 4 10 और 5 15, इसको ले लो, 11 है नीचे 11 आएगा, 8 2 10 और 5 15, सभी का योग क्या आ रहा है 15/11 आ रहा है। ये है क्या है, यादवी फर्क है इसकी, सभी स्तंभों का, सभी पंक्तियों का, सभी विकर्णों का योग क्या है समान है, तो ये है एक यादवी फर्क है। आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, आपको एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और आपसे आयत का परिमाप पूछा है। तो सबसे पहले आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने लंबाई और चौड़ाई दे रखी है मिश्रित बिंद के रूप में, मिश्रित बिंद के रूप में दे रखी है। पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल बिंद में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुना और ऊपर वाले का योग, 12 गुना 24 और 1 25/2। इसी तरह इसमें करेंगे इन दोनों का गुना, 10 दिए 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। अब सूत्र में मान रखने हैं, तो 2 गुना लंबाई आपकी है 25/2, चौड़ाई कितनी है 32/3, 2 और 3 का क्या लोगे, लेस लोगे, तो इसका लेस कितना आता है 6 आएगा, करके देख लेना, 2 के पारे में 6 कितने पर आता है 3 पर, तो 25 को क्या करना है 3 से गुणा, 3 के पारे में 6 कितने पर आता है 2 पर, तो 32 को क्या करना है 2 से गुणा, ये वाला 2 तो 12 वाला है, ठीक है 2 गुना, 25 दिए 75, 32 को 2 से करोगे 64/6, इन दोनों का योग करोगे तो आपके पास आएगा 5 4 9 6 7 13, ये 6 है और इधर 2 गुना भी, इस 2 से इसको काट दोगे तो 3 139/3, ये आपका क्या आया सेंटीमीटर, ये आपका क्या आया परिमाप आया। तो आगे चार क्वेश्चन है वो पूरे हुए, आगे के जो 4 क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे।